हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी सी टू के बारे में। आमतौर पे हम इस टाइप की वीडियो नहीं बनाते, मतलब कि रियलमी कंटेंट पे काफ़ी कम वीडियोस रहती है। बट आज हमने देखा रियलमी सी टू डिवाइस हमारे पास आया, तो हमने उसमें अपडेट चेक किया तो हमारे फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है और हम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहते हैं। जैसे कि आगे चल के आप लोग को कलर ओएस 7 एंड कलर ओएस 7 के अपडेट के बारे में हम आप लोग को इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो अगर आप लोग रियलमी के सी टू वाले यूज़र है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें एंड समझें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। जो कैसे यहाँ पे हम अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेते हैं और सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली चले जाएंगे अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट पे। सिंपली इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोग के फ़ोन में एक नया वर्जन देखने को मिल जाएगा, न्यू वर्जन डिटेक्टेड कलर ओएस 6 ऑलरेडी है हमारे फ़ोन में। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की रिकमेंडेशन में आप लोग देखेंगे दिस रिलीज, यहाँ पे आप लोग को जो वर्जन है सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट देखने को मिल जाता है। और ये गाइस आमतौर पे होता है कि अगर आप लोग को नया अपडेट मिलने का रहता है, जैसे कि एंड्रॉयड 10 हो गया, तो कलर ओएस 7 के साथ आप लोग को एंड्रॉयड 10 में देखने को मिलेगा। जब भी आप लोग को नया वर्जन का जो अपडेट देखने को मिलता है, उसके पहले आप लोग को एक सिक्योरिटी पेजेस का यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर परसेंट बढ़ जाता है कि आप लोग के फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चांस है आप लोग के रियलमी के डिवाइस में कलर ओएस 7 का अपडेट यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को कर लीजिएगा एंड अगर मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी पता चलती तो मैं आप लोग से इस वीडियो में, अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं और व्यूवर्स जुड़ते हैं हमारे चैनल से, तो मैं इस टॉपिक पे भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आप लोग इस सिक्योरिटी पेज के अपडेट को कर लीजिएगा जिससे मैं आगे चल के और भी वीडियोस बना पाऊँ। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप लोग कलर ओएस 7 को अपडेट कर पाएंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो का अच्छा खासा रिस्पॉन्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। जय माता दी।